इस वक्त जो सूरत हाल है, ये पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है, पाकिस्तान शदीद सियासी बहरान का शिकार है, और ये हुकूमत और इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्शन लेस है, और यही वजह है कि वो इस तजबजब में जो है वो बार बार लोगों के पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं। और आप इनकी काबीना देख लें, ये काबीना तो इनकी है ही नहीं, ये काबीना जहां से जहां पे बनती है और जहां से आती है उसका पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे मीडिया को भी पता है। और आप इनके परफॉर्मेंस के हालात देख लें कि आज जीडीपी का ग्रोथ रेट जो था, जो नून लीग की गवर्नमेंट थी वो किधर था, और अब इन्होंने माइनस पे लेकर आ गए हैं। इनकी परफॉर्मेंस के लिए यही है। और बजट खसारे की बात कर लें तो वो आसमानों को छू रहा है, और इस वक्त लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, महंगाई के तूफान ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये हुकूमत जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये वोट चुरा कर आए हैं, और उसका वाज़ह सबूत ये आपने देखा कि अभी जो बाई इलेक्शन हुए, जिमनी इलेक्शन हुए, उसमें इनको हर हल्के में शिकस्त फाश हुई है। तो ये शिकस्त फाश इनकी परफॉर्मेंस की गमादी करती है, और वो उसी का इनाम है जो इनको मिला है। आप ना सिर्फ वजारतों में देख लें, ये बार बार पंजाब में देख लें, सबसे बड़ा सूबा है, और उधर देख लें कि कितने आईजीज इन्होंने चेंज किए, कितने इन्होंने चीफ सेक्रेटरीज बदले, और फिर जो लोग जितने बड़े बड़े स्कैंडल करते हैं करप्शन के, उनके पोर्टफोलियो चेंज करके द्वारा उनके में और अच्छी वजारतें लगा दी जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इस हुकूमत का एक शदीद किस्म का फेलियर है। जब तक इस हुकूमत की पाकिस्तान के अवाम से जान नहीं छूटती, उस वक्त बिल्कुल मुल्की हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी जो वजह है वो इस मुल्क का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है कि जितनी जल्दी हो सके उसको अपने घर जाना चाहिए। जब तक असल तब्दीली नहीं आएगी उस वक्त तक ये वजारतें से मुल्की हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। और इनको इनकी तवज्जो अपनी प्रोफेस की बजाय सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों पर और विक्टिमाइजेशन पर है। यही वजह है कि ये हुकूमत जो है वो अचीवमेंट नहीं कर सकी किसी भी में। अगर इनकी तवज्जो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर आमिर अजहर साहब, आप क्या वजह समझते हैं? फिर ये डिलीवर कर पाएंगे।